हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था, मैं इस पैटर्न कटिंग को, चोली कट ब्लाउज़ के पैटर्न कटिंग को फैब्रिक पे रख के बताऊंगी। तो चलिए आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ, इस पैटर्न को कैसे फैब्रिक पे रख के बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले आप कपड़े को टू फोल्ड में काटेंगे। सबसे पहले हम बैक निकालेंगे, बैक साइड निकालेंगे। तो देखिए, जैसे मैं कपड़े को टू फोल्ड करके रख चुकी हूँ, मैं बैक निकालूंगी अभी। तो चलिए पहले मैं बैक निकालना बताती हूँ। देख सकते हैं मेरे कपड़े अभी बराबर नहीं है, तो पहले मैं इसे बराबर कर लेती हूँ। इस तरीके से पहले कपड़े को बराबर कर लें। इसके बाद जैसे मैं 15 मेजरमेंट ले रही हूँ फुल लेंथ, आपको अगर 13 लेना है, 14 लेना है तो आप ले सकते हैं। सो मैं 15 15 के लंबाई ले चुकी हूँ। अब मैं नेक कर्व बनाऊंगी, बैक नेक। तो मैं नॉर्मल गला बना रही हूँ, तो मैं 5.5 इसके शोल्डर रखूँगी, 2.5 में नेक काटूँगी और शोल्डर 5.5 में। आर्म होल 6.5 में, क्योंकि जो मैं साइज़ बना रही हूँ ये 36 है। और पीछे का जो गला मैं रख रही हूँ 6 राउंड नेक है, एक्चुअली ये 36 भी नहीं, साइज नहीं है, 34 है। तो मैं 34 के मेजर से बना रही हूँ। तो आप जैसे 34 को 4 से डिवाइड करके, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, उस तरीके से आप कर लें। चेस्ट नाप लें, फिर वेस्ट नाप लें, इस तरीके से मिला लें। और आपको जहाँ टेकन देना है, जैसे 4 4.5 में एक टेक लगता है, एक टेकन लगेगा 5 में, 5 इंच के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा टेकन लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरा पीछे का कट के रेडी हो रहा है। जैसे कि मैं आप सभी को बताई हूँ, पीछे का आर्म होल निकालने के लिए 1.5 लेते हैं, और ये मेरा एक्स्ट्रा। तो चलिए इसे काट लेते हैं। सो व्यूअर्स, देखिए मैं नेक काट ली हूँ, साइड से भी काट ली। और जब फ्रेंड्स, आप ये हमेशा याद ध्यान दीजिएगा, अब जब भी इसे काटेंगे तो ये बराबर काटिए, ताकि जब ये टेकन पे जाएगा तो ये कपड़े आपके बराबर हो जाएंगे। देख सकते हैं मेरा इधर थोड़ा छोटा है और इधर थोड़ा बड़ा है, तो इसे हमेशा ध्यान देते हुए काटिएगा। और यहाँ पे 1/2 इंच नीचे की ओर, ताकि शोल्डर हमारा ठीक से बैठ जाए। तो हमारा बैक कटिंग रेडी हो चुका है, और फ्रंट के लिए चलिए तैयार करते हैं। सो फ्रेंड्स, देख रहे, बैक के लिए मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है, इसे भी टू फोल्ड में रखेंगे। देख सकते हैं मैं टू फोल्ड में रखी हूँ। और ये जो पीस है, जो पैटर्न है, इसे हमें इस तरीके से रखना है। और अब ध्यान दीजिएगा, पूरा बराबर रख के इसे इस तरीके से मार्क कर ले। तो चलिए पूरे मार्क कर लेते हैं सब में। सो व्यूअर्स, देख सकते हैं मैंने मार्जिन कर ली है, अब इसे कट कर लेते हैं। तो चलिए, जो मैंने मार्जिन डाला है उस पर कट करूँगी मैं। देखिए जिस मार्जिन पे है, क्योंकि ये मैं जो बना रही हूँ 36 से कम है, 34 का है, इसमें मैं पूरा मार्जिन से काट रही हूँ। अगर आप 36 बनाएंगे तो 36 के लिए आप थोड़े से 1/2 इंच छोड़ के काटेंगे, और 32 भी बना रहे तो आप मार्जिन
मार्जिन पे ही रख के काटिए, क्योंकि ये जो साइज़ जो मैंने बताया वो 32 से 36 का है, तो ये 34 बन रही है, तो 34 मैं पूरे मार्जिन से रख के कट कर रही हूँ, ताकि जब मैं सिलाई करूँगी तो ये कम हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स पूरे काट लेते हैं, उसके बाद हम मैं आपको दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। सो व्यूअर्स एक नोट में बताना चाहूँगी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि जब आप ये काट रहे हैं तो ये आप ठीक भर काटेंगे, पर जो साइड वाला जो होता है वो लेंथ आप थोड़ा बढ़ा के काटेंगे, ताकि आप जब फिटिंग वगैरह लाइन दे तो वो आपका कपड़ा बचे ना कि वो पूरा टाइट हो जाए। सेम चीज़ आप अपने नीचे वाले में भी करेंगे, नीचे फैब्रिक वाले में भी करेंगे सेम चीज़। आप एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देंगे, बाकी आप चोली में सेम टू सेम काटेंगे, गले वगैरह नेक आर्म होल ये भी सारा सेम कटेगा, बस ये जो साइड का जहाँ पे आप फिटिंग लाइन देते हैं ये आप थोड़े बढ़ा के काटेंगे। सो व्यूअर्स देख रहे हैं ये कटिंग हो चुकी है, जैसे भी अब हम ओपन कर लेते हैं दोनों साइड को। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे खोल के। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे चोली कट जो फ्रंट है वो रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप सभी। जो चोली कट का जो फ्रंट साइड है वो कट के रेडी हो चुका है, बैक भी रेडी हो चुका है। तो अब इसे सिलना मैं बताती हूँ आप कैसे सिलना है। तो सबसे पहले हम इसे टैकन देंगे चोली को, पहले यहाँ से टैकन देंगे, यहाँ से फिर यहाँ से। तो टैकन देने के लिए हम क्या करेंगे आपको, सो व्यूअर्स टैकन देने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको चोली जो है उसे इस तरीके से बराबर करके यहाँ पे टैकन देना है, कम से कम तीन पे आपको टैकन देना है, हाफ इंच ठीक है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए इस तरीके से। इसके बाद आप इधर से टेकन दे लेंगे, उसके बाद आपको नीचे से भी टेकन देना है, तो इसे भी आप इस तरीके से बराबर कर लें। और आप जहाँ पे आपका ये जो टेकन आया है ये तीन जहाँ पे आप मेज़र किए हैं उसके जस्ट थोड़े से नीचे होने चाहिए, मतलब ये इधर से भी आप तीन ले लें, जहाँ पे आपका तीन तीन दोनों साइड लेके इसे इस तरीके से टैकन बैठा लें। टैकन बैठाने के बाद आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से मिलाते हुए स्टिच कर लेना है पूरे में, दिखा देती हूँ मैं। ये जो साइड वाला हिस्सा है इस पे आपको ये जब आपका टैकन बैठ जाएगा तब आपको इसमें इस तरीके से सिलाई कर लेना है। ये सिलाई हो जाने के बाद फिर आपको नीचे वाला हिस्से को कंप्लीट जोड़ देना है। तो चलिए मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। सो व्यूअर्स देखिए मैंने चोली ले लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था इधर से बराबर करके टैकन बैठाना है, देख सकते जो आगे का हिस्सा है उस पर और नीचे का, तो जैसे मैंने वहाँ पे बताया था, बस मुझे अभी टैकन डालना है। देखिए मैं टैकन लगाती हूँ, सो फ्रेंड्स जैसे आप सिल लेते हैं ये साइड, तो आप अपने टैकन को मजबूत करने के लिए फिर अपोजिट उसी में और एक बार सिलाई कर सकते हैं, जिससे आपके टैकन मजबूत हो जाते हैं। सो
सो हमारा पहला टैकन बन के रेडी हो गया है। दूसरा टैकन बनाते हैं। देखिए मेरा पहला टैकन फ्रंट में लग चुका है, अब नीचे वाले में लगाती हूँ कपड़े को बराबर करके। सेम प्रोसेस फ्रेंड्स, सेम मैंने जिस पे अभी सिलाई किया है उस पे ही, मैंने जिस पे अभी सिलाई किया सेम उस पे ही फिर से चलाऊंगी ताकि मेरा जो टांका है वो मजबूत हो जाए। सो व्यूअर्स देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा जो चोली बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा चोली बन के, वो अभी दिख नहीं रहे हैं आपको पर ये बहुत ही अच्छा बन के आया है। अब मैं इसके साइड जोड़ना बता देती हूँ। देख सकते हैं आप सब ये साइड है इसके और ये चोली, तब ये दोनों को हमें जोड़ना है। देख सकते हैं इसके साइड वाले हिस्से हैं और इसके चोली है, तब दोनों को साथ में जोड़ती हूँ। सो व्यूअर्स एक बार आप ऐसा आप याद रखिए, जब भी आप इसे जोड़ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, आप चोली को खींचिएगा, नीचे वाले हिस्से को बिल्कुल नहीं खींचना है। आपको चोली को हल्के हल्के खींचते हुए आपको सिलाई करना है। ध्यान दीजिएगा, चोली को खींचना है आपको, नीचे वाले फैब्रिक को नहीं। इस तरीके से हल्के हल्के चोली को खींच के और हाफ इंच से आपको ज़्यादा सिलाई करना है, ना कि हाफ इंच से कम। हमेशा याद रखिए हाफ इंच से ज़्यादा सिलाई करना है और चोली को खींचते हुए सिलाई करना है, फैब्रिक को खींचते हुए नहीं। इस तरीके से ताकि जो चोली है वो आपके नीचे वाले फैब्रिक पे बराबर आके मिल जाए। ये जो मैंने कटिंग बताया है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है और शरीर पे भी बहुत ही अच्छा बैठती है। देखिए मेरे जो फैब्रिक है वो आके मिल चुकी है। तो आप सब देख सकते हैं मेरा चोली कट का पहला जो हिस्सा है वो जुड़ चुका है। सो व्यूअर्स आप इसके ऊपर जो चोली आप जोड़े हैं इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा सकते हैं जिससे आपकी सिलाई मजबूत हो जाती है। तो चलिए सिलाई लगा देते हैं हम। सो व्यूअर्स देख रहे हैं ये मेरा ऊपर का हिस्सा बन चुका है जिसे मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसे कैसे सिलना है मैं बताती हूँ। जो आप देख सकते हैं ये आप, ये इधर बड़ा है और इधर छोटा है, तो जो बड़े वाला हिस्सा है उसे हम आगे लगाएंगे, इस तरीके से आगे लगाएंगे और इस तरीके से इसे जोड़ के सिलाई कर देना है। और जो बच जाता है फ्रेंड्स उसे आप कट करके साइड कर सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल चुका है वो आप इसे कट करके साइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे जोड़ दीजिए और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा सकते हैं। तो चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं। सो व्यूअर्स देख सकते हैं ये हमारे फ्रंट का पहला हिस्सा कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, इसके साइड वाला भी हिस्सा कंप्लीट करना है, सेम टू सेम इसी तरह से बनाना है। तो चलिए उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो व्यूअर्स सेम इसी तरह हम बैक साइड में भी बैक वाले टाके लगा लेंगे दोनों में। उसके बाद आपको शोल्डर अटैच कर लेना है, दोनों शोल्डर अटैच कर लेना है फ्रंट के साथ। चलिए मैं बताती हूँ। सो व्यूअर्स देख रहे हैं मैंने दोनों टाके लगा ली हैं बैक में, दोनों साइड टाके डाल ली हूँ। इसके बाद आपको जो बैक के साइड है उसे सीधा कर लेना है। इसके बाद आपको फ्रंट वाला हिस्सा को बैक में बैक कर लेना है, यानी कि फ्रंट फ्रंट मतलब सीधा सीधा आपका एक साइड हो जाना चाहिए। ये बैक का सीधा है और ये फ्रंट का सीधा है, तो सीधा सीधा एक साइड हो जाना चाहिए। और इस तरीके से आपको आपके शोल्डर अटैच कर लेनी है। इसके बाद आपको पट्टी डाल लेना है, ब्लाउज पट्टी आप सभी को आता होगा डालने फ्रेंड्स, एरोबिक पट्टी लगती है इस पर। पर अगर ये जैसे ये ब्लाउज़ है तो ये ब्लाउज़ पे आप एरोबिक पट्टी डालिए, हर ब्लाउज़ में एरोबिक पट्टी लगती है। तो चलिए मैं आपको शोल्डर सिल के दिखाती हूँ।
फिर आपको ये पट्टी लगाना भी बता ही देती हूँ। चलिए सो व्यूअर्स, अगर आप कंधे जोड़ रहे हैं और आपके फ्रंट वाले कंधे बड़े हो जा रहे हैं, फ्रंट वाले कंधे बड़े हो जा रहे हैं, बैक वाले कंधे छोटे हो जा रहे हैं आपके मेज़रमेंट के हिसाब से, तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना होएं, आप इसे सिलाई कर ले और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बच गई है उसे आप कट करके साइड कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप शोल्डर को अटैच कीजिए, बाकी जो हिस्से आपके बच रहे हैं आप इसे साइड कर ले, उसको छांट ले। चलिए इसे कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। सो व्यूअर्स, जैसे आप कंधा अटैच कर ले तो उसके बाद अगर इस तरीके से हो जाती है तो आप इसे इस तरीके से छांट ले। सो व्यूअर्स, देख सकते हैं मैंने ब्लाउज फ्रंट और बैक सिल के कंप्लीट कर लिया है, नेक भी मैंने लगा लिया है, नेक पट्टी भी मैंने लगा लिया है। अब बारी है हुक पट्टी की, हुक पट्टी कैसे लगाते हैं तो मैं चलिए बताती हूँ। तो जहाँ जिधर आप हुक लगाएंगे वो साइड, जिधर आप हुक लगाएंगे वो साइड देखिएगा, आपका जो पट्टी रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा और जिस साइड आप घर बनाएंगे उस साइड का पट्टी आपका 3.5 इंच का रहेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए राइट साइड में हम हुक लगाते हैं, हुक पट्टी। तो राइट साइड में हुक पट्टी लगाना बताती हूँ मैं। चलिए सो व्यूअर्स, देख रहे हैं हुक पट्टी जो आपका होता है वो 2.5 इंच का होता है। तो देखिए मैं 2.5 इंच कट करके रख लिया है और हुक साइड जो राइट साइड होता है फ्रंट साइड में, उस साइड में हम हुक पट्टी लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहले इस तरीके से आपको रख लेनी है सीधा साइड पे, देखिए ये सीधा है, सीधे साइड पे इस तरीके से रखनी है और इसे एक लंबी सिलाई स्ट्रेट लगानी है। इस तरीके से एक लंबी सिलाई लगा लीजिए। सो देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली है, अब इसे इस तरीके से पलट के ये साइड इस तरीके से सिलना है, देख सकते हैं ऐसे पलट के इसे ये साइड इस तरीके से सिलना है। ये सिलाई हो जाएंगी, ये वाले जिस सिलाई पे दिख रहे हैं, जिस सिलाई आपको दिख रहा है उस सिलाई पे ही फोल्ड करके सिलाई लगानी है, इस पे ही हमको सिलाई लगाना है। चलिए लगा लेती हैं इस तरीके से, आपको सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेना है, देख सकते हैं। और एक सिलाई आपको ये साइड भी लगा लेना है एज में, देख सकते हैं आपको एक सिलाई आपको यहाँ है और एक सिलाई आपको ये एज पे लगा लेनी है पूरी। फिर इसे हम इस तरीके से कर देंगे, ये हमारा बटन पट्टी रेडी हो जाएगा। आप इसे ऐसे हेम कर सकते हैं, या फिर आप इसे हेम नहीं कर रहे तो जब आप यहाँ पे हुक डालेंगे तो ये अपने आप ऐसे पकड़ में आ जाती है। तो चलिए हुक पट्टी तैयार कर लेते हैं, इसे बस हमें ये साइड एक सिलाई इधर हो गई है, अभी ये साइड मजबूती के लिए लगा लेनी है। सो हमारा हुक पट्टी रेडी हो गई है, अब इसे बस हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे हुक लगानी है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब चलिए बटन घर वाले पट्टी बनाते हैं। सो व्यूअर्स, बटन घर वाले पट्टी लगाना जस्ट अपोजिट है उसको, जैसे हम लोग इसे हम लोग क्या किए थे, सीधे साइड से बैठाए थे स्टार्टिंग में और सिलाई किए थे, इसे वैसे नहीं करना है, इसे हमें उल्टे साइड से बैठाना है इस तरीके से, उल्टे साइड से, और इसे इस तरीके से पलट के आगे करना है। चलिए सबसे पहले देखिए उल्टा है, ये उल्टा साइड है और ये सीधा है,
उल्टा और ये सीधा, पट्टी सीधा रहेगी ऐसे, और इस तरीके से इसे सिलाई कर लेना। एक सिलाई लगा लीजिए ऐसे ही करके, एक सिलाई लगा लीजिए। सो व्यूअर्स देखिए मैंने इसे एक सिलाई लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसे हम सीधे की तरफ इसे इस तरीके से मोड़ के, पट्टी को ही फोल्ड करके, इसे जिस सिलाई आप देख रहे हैं उस सिलाई पे ही करनी है, इस तरीके से फोल्ड करके। चलिए सिलाई करके बताती हूँ। सो देखिए ये 3.5 इंच का है ये पट्टी, इसे हमें इस तरीके से एक बार हाफ, ये पट्टी के हाफ फोल्ड करने हैं इस तरीके से, हाफ और उसका हाफ, ये हाफ एक बार फोल्ड करके हाफ, फिर इसका हाफ, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला ये हाफ, फिर इसका हाफ, इस तरीके से हम जिस सिलाई है उस सिलाई पे ही एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। सो व्यूअर्स देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा लिया है। तो अब क्या करेंगे, ये जो सिलाई लगा ली हूँ इसके जस्ट एक चाप देख रहे हैं, 1/2 इंच के में एक सिलाई बीचों बीच लगानी है। सो व्यूअर्स देख रहे हैं लग गई है ये हमारा हुक, घर वाले पट्टी रेडी हो चुका है। इसके बाद आप गले पे एरोबिक पट्टी डाल के गले को कंप्लीट कर लें। तो मैं पिछले वीडियो में ही बताई थी गले को एरोबिक पट्टी कैसे काटना है, कैसे डालना है, तो आप डाल लीजिए, मैं भी डाल लेती हूँ। सो व्यूअर्स देख सकते हैं मैं गले तैयार कर ली हूँ। अब चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ क्या करना है। सो व्यूअर्स देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से ब्लाउज़ को उल्टा रख लेना है और साइड्स आपको देख लीजिए आपको कितना लंबाई चाहिए। जैसे मैं 15 रखी थी, देखिए फ्रेंड्स ये 15 है, तो आपको जैसे 15 में चाहिए, 14 में चाहिए, 13 में चाहिए, तो आप इसे फोल्ड कर सकते हैं या फिर आप इसे कट करके अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको साइड में आपको जितना फिटिंग चाहिए वो आप फिटिंग सिलाई कर लीजिए। उसके बाद आप इसे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसे छांट के सीधा स्ट्रेट कर लीजिए, यही आपका नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ब्लाउज़ कम्प्लीटली रेडी हो जाएंगे। देख सकते हैं जैसे ये है रेडी हो चुके हैं लगभग लगभग, बस इसे साइड में सिलाई करना है और नीचे आप अलग से फैब्रिक अटैच कर सकते हैं या फिर इसे फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स चलिए मैं करके दिखा ही देती हूँ। एंड व्यूअर्स मैंने आपको स्लीव काटना नेक्स्ट वीडियो में बता ही दिया था, तो स्लीव काट के आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी स्लीव काट के इसमें अटैच कर लेती हूँ और नीचे भी मोड़ लेती हूँ और साइड में भी सिलाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ ये कैसे दिखता है। सो व्यूअर्स देखिए हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है, ये स्लीवलेस ब्लाउज है। स्लीवलेस ब्लाउज में आप जैसे गले में पट्टी डालते हैं वैसे ही हाथ में भी पट्टी डाल लेना है। सो फ्रेंड्स ये था ब्लाउज़, कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, यहाँ पे डाउट है। हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो चुका है, ये बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है, इसके टुक्की भी बहुत अच्छे बन के आए हैं। सो फ्रेंड्स ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है, तो जैसे आप गले में पट्टी डाले हैं एरोबिक पट्टी, सेम एरोबिक पट्टी आप हाथ में भी डाल के इसे कम्प्लीट कर लें, ये बहुत ही अच्छी टुक्की लग रही है। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ब्लाउज़, चोली कट ब्लाउज़। सो व्यूअर्स इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं इस तरीके से और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।